हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। नाश्ता ही बोलेंगे इसको, ये सुबह में या शाम को, मतलब छोटी मोटी भूख के लिए ये बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी है। तो इस बनाने में भी कोई इसमें झंझट नहीं है, बहुत इजली बहुत आराम से बन जाता है, झटपट बन जाता है। बड़े बच्चे सबको पसंद आएगा ये। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये सूजी और ये दो टमाटर, इसमें लहसुन डाल के मैंने उसको पीस लिया है मिक्सर में। और इधर पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, बहुत थोड़ा सा तेल में ही बनता है ये, ज़्यादा तेल इसमें नहीं चाहिए। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा जब भुन जाए मसाले उसके बाद इसमें टमाटर और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसमें पानी डालेंगे, मतलब लगभग एक कटोरी के आसपास मैंने इसमें पानी डाला है। बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब ये जब मन किया कि चलो कुछ चटपटा सा खा ले तो फटाफट बना सकते हैं इसको। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना वो डाला मैंने, थोड़ा कलर के लिए, तीखी नहीं होती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे इसमें सूजी मिलाते जाएंगे। सूजी कोई सा भी चलेगा, मोटा या पतला जो भी हो वो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उस टाइप का ही आप लोगों को रेसिपी बताती हूँ जो इजीली घर में अवेलेबल हो। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे, थोड़ी देर इसको पका लेंगे। तो देखिए मैंने थोड़ी देर इसको पका लिया है। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक ठंडा भी हो जाएगा ये। और उसके बाद इसको प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से फिर मैश करेंगे। और एक डो की तरह इसको तैयार कर लेंगे, हल्का सा हाथ में ऑयल लगा के, और फिर इसको बनाएंगे तो हाथ में चिपकेगा नहीं। और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये चावल के आटे से भी बनता है, छोटा छोटा बॉल जो बनाते हैं वो, मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी वो भी। ये सूजी वाला तो मैंने पहली बार ही ट्राई किया था, लेकिन बहुत सॉफ्ट, इतना अच्छा हुआ था ना, सॉफ्ट बहुत हुआ था ये। और फिर इसको स्टीम कर लेंगे, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रखा था और स्टीम कर लेंगे 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है स्टीम करने में। मेरे बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ बदल बदल के चाहिए शाम के टाइम में, तो बस सोचती रहती हूँ आज क्या बनाऊँ आज क्या बनाऊँ। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कुछ अच्छा बन ही जाता है, और मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं भी कुछ सीख जाती हूँ। और फिर इधर पैन चढ़ाया मैंने और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, उसके बाद डालेंगे इसमें राई, थोड़ी सी राई डालेंगे। और दो हरी मिर्च डाला है मैंने और थोड़ा सा कड़ी पत्ता।
अगर तिल हो आपके पास सफ़ेद तिल तो आप वो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मेरे पास था नहीं, मैं ज़्यादातर तो उसी टाइप का ही बनाती हूँ डिश जो घर में रहता है, तो आप ज़रूर डालिएगा अगर तिल हो तो। और थोड़ा सा जब राई चटक जाए उसके बाद थोड़ा कड़ी पत्ता डाल के और फिर इसको फ्राई कर लेंगे हल्का। ये फ्रेश कड़ी पत्ता है, मैंने घर में ही लगाया हुआ है। हल्का फ्राई कर लेंगे इसको, बहुत पसंद आएगा, आप एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत इजीली बन जाता है, बहुत इजीली। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरी वीडियो में क्या कमी लगती है आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।